রিপোর্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আগামী 23 ফেব্রুয়ারি পাহাড়ে ডাকা বন্ধ আপাতত স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করলেন বিনয় তামাং। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি জানালেন তিনি শুনব। हम 24 घंटा का जो हंगर स्ट्राइक था वो हम लोग ने ख़त्म किया है आज दोपहर 12:15 में। उसके बाद में 9 इलेक्टेड जीटीए सभा का जो सभासद था उन्होंने का हम लोग एक मीटिंग हुआ और मीटिंग में सभी पक्षों को देखते हुए एक यूनानिमस डिसीजन में आ गया कि जो हम कल हम लोग ने अपील किया था कि दार्जिलिंग पहाड़ का सभी वासियों को कि जो विधानसभा में पश्चिम बंगाल के विधानसभा में जो प्रस्ताव या मोशन पास हुआ था उनमें 2 शब्द आया था, एक इन्फ्लक्स एक इमिग्रेंट। इन्फ्लक्स नेपाली भाषी गोरखा के लिए था और इमिग्रेंट आदिवासी के लिए था। इससे हमको नाराज था, बंगाल विभाजन का एक नाराज था, दूसरा भी वो था। उसके हिसाब से हम लोग अनशन में भी बैठ गया और 12 घंटा का कल से हम लोग ने अपील किया था। वी हैव नॉट कॉल्ड द स्ट्राइक एंड वी हैव नेवर कॉल्ड द स्ट्राइक एंड वी हैव नॉट डीप मतलब ऑर्डर भी नहीं किया, अनाउंस भी नहीं किया। वी हैव अपील द पीपल। पहले क्या होता था, 3 दिन बंद ऐसा नहीं किया। तो हम लोग ने अपील किया था, रिक्वेस्ट किया था कि अगर बंगाल में ऐसा हो रहा है, हमारा ऊपर में ऐसा अतिक्रमण हो रहा है, जातिगत अतिक्रमण हो रहा है, तो आप लोग कृपा करके 12 घंटा अपना घर में बैठे। उनमें से हम लोग ने फिर छूट भी दिया था, रिलैक्सेशन था, स्कूल का कॉलेज का छूट था, एग्जाम का छूट था तब भी। और अभी जाके सभी का हम लोग ने एक मत में आ गया कि कल का जो अपील हमारा अपील था 12 घंटा घर में बैठने के लिए, वो अभी सस्पेंड किया है, नॉट विथड्रॉ, सस्पेंड किया है फॉर द टाइमिंग। एंड अभी सभी का तरफ से हमको फ़ोन आ गया कि सब अब आप लोग आके हम लोग से मिल ले। तो हम लोग 9 जो सभासद है तो वेरी सुन हम लोग डिफरेंट पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो हमारा पक्षधर है उनसे हम लोग मिलेंगे और जो भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी बात करके और आने वाला दिन के लिए पूरा हमारा एक रणनीति बन के आएगा। और एक बंगाल सरकार को भी हम लोग एक चुनौती देते हैं कि असेंबली में जो हमारा ऊपर में एक लांछाना लग गया कि इन्फ्लक्स है, इन्फ्लक्स में माने अनुप्रवेशकारी, हम लोग कहाँ से प्रवेश करके आ गया और इमिग्रेंट माने कहाँ से आ गया, जो माननीय मंत्री है उसको माफ़ी मांगना होगा, नहीं तो ये उग्र होते जाएगा। हम लोग कानून हमारा हाथ में नहीं लेगा, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल डू आवर डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रांगली एंड फोर्सिवली इन वेरी इन नियर फ्यूचर। क्यों आपको स्ट्राइक सस्पेंड करना? ना स्ट्राइक हम लोग ने अपील किया था भाई, नॉट कॉल्ड, मैंने बोला ना अपील किया था, लेकिन सस्पेंड किया। तो देखिए हम लोग को पता था कि एग्जाम भी है सभी है, लेकिन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से सबसे हम लोग मिल के और इससे बड़ा, क्योंकि इश्यू बड़ा होते गया है, क्योंकि जो शब्द आ गया 2 शब्द इससे डोर से भी आदिवासी लोगों से भी हमारा कांटेक्ट हो गया कल रात और वहाँ से का लीडर भी हम लोग से मिलना चाहते हैं। तो नॉर्थ बंगाल में जो आदिवासी गोरखा है यूनाइटेडली लड़ने के लिए बात कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ये सस्पेंड कर रहे हैं। अगला रणनीति क्या होगा? वो हम सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में चला जाएंगे, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उनसे साथ में मिलेंगे और तराई और डोर्स का जो भी आदिवासी का ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी नेता लोग से भी हम लोग बात करके पूरा हम लोग एक साथ मिल के पूरा अभी पहाड़ में नहीं बल्कि टूर्स में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। द रिपोर्ट दार्जिलिंग ब्यूरो। আমাদের খবর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তাহলে তা শেয়ার করুন নিজের খুব কাছের বন্ধু অথবা নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে। আর আমাদের চ্যানেলটি লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না, কারণ আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।